क्वीन एलिजाबेथ II 96 ईयर्स की एज में इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं। इन्होंने 70 ईयर्स तक सिर्फ यूके तक ही नहीं बल्कि 15 कॉमनवेल्थ नेशंस पर भी राज किया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड भी शामिल है। ब्रिटिश हिस्ट्री में अगर किसी ने सबसे ज्यादा टाइम तक राज किया है तो वो क्वीन एलिजाबेथ II ही थी। तो एक तरफ जहां इनकी मौत पर मुल्क भर में शोक मनाया जा रहा है, वहीं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंजेस भी हैं जो क्वीन के गुजरने के फौरन बाद से ही अप्लाई होना स्टार्ट हो चुकी हैं। लेकिन ये लंदन ऑपरेशन ब्रिज अचानक से ऑपरेशन यूनिकॉर्न में कैसे चेंज हो गया? दरअसल अगर क्वीन की मौत लंदन में होती तो इस वक्त ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन लंदन ब्रिज ही होता, लेकिन क्योंकि क्वीन की मौत स्कॉटलैंड में हुई है तो इसी वजह से इस ऑपरेशन का नाम चेंज करके ऑपरेशन यूनिकॉर्न है। और इसमें जो भी इवेंट्स होंगे वो पहले से ही डिसाइडेड है, जिसमें सबसे पहले क्वीन की बॉडी को लंदन शिफ्ट करना है और अगले ही सेकंड उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स ऑटोमेटिकली यूके के किंग बन ही चुके हैं। और क्वीन के गुजरने के बाद अब ज्यादातर स्टाफ को छुट्टी पर भेज दिया जाएगा और तमाम झंडों को पोल के मिडल में ले आया जाएगा। चर्चेस जो कि 2 दिनों तक बेल बजाते रहेंगे और जिस दिन क्वीन का फ्यूनरल होगा उसी दिन पब्लिक हॉलीडे भी होगा और तमाम बिजनेस, बैंक्स, शॉप्स बंद हो जाएंगे। पैलेस के तमाम सोशल गैदरिंग्स भी कैंसिल हो जाएंगी और ऑफिशियल्स अगले कई दिनों तक शोक में एक अलग किस्म का ड्रेस कोड भी इस्तेमाल करेंगे। क्वीन की मौत के बाद प्रिंस चार्ल्स किंग तो बन चुके हैं, लेकिन बकिंगम पैलेस से क्योंकि ज्यादातर स्टाफ चला गया है तो एक्सटेंशन काउंसिल का जो इजलास है वो सेंट जेम्स पैलेस में होगा, जिसमें प्रिंस चार्ल्स को ऑफिशियली किंग डिक्लेयर कर दिया जाएगा और उनसे ओथ भी लिया जाएगा। यूके की रॉयल फैमिली के रूल्स के हिसाब से प्रिंस चार्ल्स के पास किंग बनने के बाद ये भी ऑप्शन होगा कि वो अपना नाम भी चेंज कर सकते हैं। चार्ल्स, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस गद्दी का इंतजार किया है, उनकी एज अभी 72 ईयर्स है। अगर इनको भी कुछ हो गया तो इनके बाद इनके बेटे प्रिंस विलियम यूके के प्रिंस बनेंगे। प्रिंस चार्ल्स जब ऑफिशियली किंग बन जाएंगे तो इनकी वाइफ प्रिंसेस कमेला क्वीन नहीं बल्कि प्रिंसेस ही कहलाएंगी, क्योंकि ऐसा वो खुद चाहती हैं। क्वीन का कॉफिन तैयार करने के बाद उसे वेस्टमिनिस्टर हॉल में पब्लिक के सामने रखा जाएगा ताकि लोग उनको रिस्पेक्ट दे सकें। क्वीन के गुजरने के बाद और फ्यूनरल से 10 दिन पहले तक शोक मनाया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्वीन की डेथ 8 सितंबर को हुई है तो उनका फ्यूनरल 17 सितंबर 2022 को होगा और इस पूरे पीरियड के दौरान डेली 1 घंटे के लिए पब्लिक को क्वीन का इनका कॉफिन देखने की इजाजत होगी। जब प्रिंसेस डायना इस दुनिया से गुजरी थी तो बकिंगम पैलेस के बाहर एक अंदाजे के मुताबिक 10 लाख से भी ज्यादा बुके रखे गए थे और लोग 10-10 घंटों तक लाइन में खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार करते थे। और फ्यूनरल वाले दिन सुबह 9 बजे बिग बैंग बेल को पहले एक बार बजाया जाएगा और उसके बाद दिल को हैमर पर लेदर कवर कर दिया जाएगा ताकि पूरा दिन उसकी आवाज बहुत ही लो रहे और उस दिन पूरी दुनिया के लीडर्स फ्यूनरल अटेंड करने के लिए वहां पर मौजूद होंगे। और फ्यूनरल के बाद 10वें दिन क्वीन एलिजाबेथ II को किंग जॉर्ज VI मेमोरियल चैपल में दफनाया जाएगा और उस दिन लंदन स्टॉक एक्सचेंज को भी बंद कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से पूरे यूके को अच्छा खासा लॉस होगा। 2011 में जब प्रिंस विलियम की शादी हुई थी तो उस दिन भी नेशनल हॉलीडे था, जिसमें यूके को तकरीबन 6 बिलियन पाउंड्स का लॉस हुआ था। क्वीन एलिजाबेथ II के फ्यूनरल के बाद यूके और कॉमनवेल्थ कंट्रीज में बहुत सारी चेंजेस होंगी, जिसमें सबसे पहले ब्रिटिश करेंसी पर छपी क्वीन की तस्वीर को चेंज कर दिया जाएगा। अब सारी करेंसी रातों रात तो नहीं चेंज हो सकती, तो अगले दिन से ही ये नए नोट छपना जरूर स्टार्ट हो जाएंगे। ब्रिटिश नेशनल एंथम, जिसमें हमेशा से गॉड सेव द क्वीन कहा जाता था, को चेंज करके गॉड सेव द किंग में बदल दिया जाएगा। और इन सब के अलावा पुलिस हेलमेट्स को भी चेंज कर दिया जाएगा और तो और मेल बॉक्सेस, जो कि आज के दौर में इतना इस्तेमाल तो नहीं होते, लेकिन उस पर भी क्योंकि क्वीन के क्राउन मौजूद है तो उसको भी चेंज करके किंग चार्ल्स का क्राउन लगा दिया जाएगा। अब देखने में तो ऐसा लगता है कि इतनी सारी चेंजेस में आखिर कितना टाइम लगेगा, लेकिन फिकर नॉट, इसमें इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि इसकी ज्यादातर तैयारी तो इनके जाने से पहले ही प्री प्लान थी।